बहुचर्चित झोने के अनधिकारिक बीज पीआर 128-129 नूं लै के शाहकोट तहसील के खेतीबाड़ी अफसर जसवीर सिंह अते उनां दी टीम वल्लों किसानां दी लिखती रिपोर्ट ते शाहकोट दे बीज स्टोरां ते छापेमारी की गई। इस मौके कुछ बीज स्टोरां दे लाइसेंस रद्द कर दिते गए अते कुछ स्टोरां दी जांच अजे बाकी है। इस मौके जदों साडे चैनल दी टीम वल्लों खेतीबाड़ी विकास अफसर जसवीर सिंह नाल गल्लबात की गई तां सुनो उनां दी जबानी की कहना है उनां दा। पंजाब दर्पण न्यूज़ चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं सिमरजीत सिंह लवी बहुत बहुत स्वागत करता। अज असी बैठे हाँ तहसील शाहकोट के खेतीबाड़ी विकास अफसर डॉक्टर जसवीर सिंह होना को, जो कि पिछले दिन बहुत ही चर्चित एक विषय चल रहा है जिसे झोने के बीज पीआर 128-129 जो कि नकली बीज का केस जरा बहुत वाला बीज घोटाला जरा सामने आया जिसे दसया गया कि यूनिवर्सिटी ने बीज हजे बाहर लॉन्च नहीं किए बाहर हजे कढ़े नहीं पर इस ना के बीज जोड़े है वो बाहर कई दुकानदार नीचे बेच रहे हैं और बहुत सारे किसान भीर मतलब एक गल दसी गई कि वो पीआर 128-129 बीज जो झोने का उन्होंने खरीदा खरीदने तो बाद उन्होंने झोना लाया पर पनीरी पुंगरी नहीं आओ सुनते हैं साडे जिहड़े शाहकोट के ये डॉक्टर जसवीर सिंह खेतीबाड़ी विकास अफसर ने की कहते हैं इस बारे। हाँ जी डॉक्टर साहब की कहना थोड़ा। सत श्रीकाल जी सारे, मैं ही डॉक्टर जसवीर सिंह खेतीबाड़ी विकास अफसर शाहकोट। मैं तुम बीजा संबंधी जो पिछले दिनों तो जो अखबारों में खबर आ रही हैं एक पीआर 128-129 संबंधी भी ये बीज जो अनधिकारत गैर कानूनी हैगी है संबंध में तुम दसना चाहना भी साढ़े शाहकोट के कुछ किसानों के नाम अजीत समाचार डेट 29/5/2020 के खबर अखबार में खबर लगी सी तो असी तुरंत हरकत आ तो इन्हों किसानों लभन की कोशिश की। सानू इन्हों किसानों लभन की मतलब थोड़ी जी अखियाई भी पेश आई क्योंकि इन्होंने किसानों का कोई फोन नंबर या इन्हों के कोई बलदीप फादर साहब का नाम पिछले नहीं लिखा सी तो फिर भी अभी चलो किसान लभे पिंड जाके इन्होंने किसानों के कोलों असी एक रामपुर तो मलकीत सिंह एक अपने निहालूवाल तो मंगल सिंह एक अपने मनदीप सिंह बामिया तो इन्हों ट्रेस किया इन्हों के बयान भी लाए तो एक अपने दारियाल तो है अपने सरबजीत सिंह साबी जी जेडे कि मतलब मूँह जबानी तो कह रहे हैं भी असी बीज नहीं लिया पर हज तक उन्हें सूँ कुछ लिख के नहीं दिता तो जेडे तीन किसानों ने सूँ लिख के दिता उन्होंने तो यही कहा भी असी शाहकोट तो ये 128-129 बीज या कोई होर भी अभी खरीद इन्हों को नहीं खरीदया बीज तो दूसरी गल जी असी इन्हां दुकानों की रेगूलर चैकिंग करते आ रहे हैं पिछले महीने तो बेशक साड़ियाँ कोविड-19 के दौरान भी ड्यूटियां लगियां होर पर फिर भी असी जिन्ना संभव हो सके वो तो वह असी दुकाना चैक कीतिया पर सानू कदे भी शाहकोट के किसी दुकानदार के कोल पीआर 128 तो पीआर 129 वरायटी सानू नहीं पाई गई ना ही किसी रिकॉर्ड मिली सानू तो कल साडे मुख खेतीबाड़ी अफसर जलंधर डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी वालों भी इतने शाहकोट दुकाना विजिट की गई मथुरादास दीनानाथ की दुकान पर हिंदुस्तान सीख सेंटर पर उस तो उन्होंने रिकॉर्ड चैक किया गया बेशक सानू मौके पर सानू पी आर 128-129 का कोई प्रूफ नहीं मिलया पर महकमे वालों जो किसान ने अखबार के जो शिकायत मिली जो सानू उदा शिकायत मिलती आ रही उन्होंने आधार पर साडे मुख खेतीबाड़ी अफसर जलंधर वालों मथुरा दीनानाथ जो लसेंस रद्द कर दिता गया तो जोड़ा हिंदुस्तान सीख सेंटर आसेंस अगले हुक्म तक मतलब कर दिता गया तो जी अगली तफ्तीश आ महकमे वालों चल रही आ जे सानू हम आने वाले दिनों में कोई ठोस सबूत इन्ह फर्मा के खिलाफ मिलता या किसी भी खिलाफ़ मिलता तो उन्होंने फर्मा के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाएगी तो किसी भी दुकानदार महकमे वालों बख्शा नहीं जाएगा जो कोई गलत काम करता फड़िया गया जां उहदे खिलाफ कोई सबूत मिल गया ते इन्ना कहिंदा होया धन्नवाद। पंजाब दर्पण न्यूज़ लई शाहकोट तों सिमरनजीत सिंह लवली दे नाल मोंटी अरोड़ा दी विशेष रिपोर्ट।